मैदा के पेस्ट को 4 से 5 घंटे के लिए रख दें। मैदा को रेस्ट देने के बाद जलेबी बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैदा के पेस्ट को जलेबी बनाने वाले कपड़े में डाल लें। अजय हलवाई फ्रॉम अन्नपूर्णा कैटर्स। शादी एवं पार्टी की बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें। सभी जलेबियां गाय के शुद्ध देसी घी में बन रही हैं। जलेबियों को चिमटे की मदद से धीरे धीरे पलटें ताकि जलेबियां घंटे लें। जब जलेबियां कढ़ाई में सिक रही हो तो गैस को सिम करके रखें ताकि जलेबियां जले नहीं। जलेबियों को अब सर्व करने के बर्तन में रख देंगे। अब ये जलेबियां खाने के लिए तैयार हैं।